दोस्तों, जो अभी हमारे देश की मौजूदा सरकार है, भारत सरकार नहीं कहूंगी, ना ही इंडियन गवर्नमेंट कहूंगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि जो अभी सरकार चल रही है वो सरकार है मोदी सरकार। जी हाँ, भारत सरकार तो नाम कहीं गाया भी हो गया है, और इंडियन गवर्नमेंट तो हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि इंडिया को भारत बना देना है, तो इंडिया का नाम लेना ही एक तरह से गुनाह हो जाएगा अगर ऐसा हो जाता है तो। तो अक्सर आपने देखा होगा कि इस गवर्नमेंट में, यानी इस मोदी सरकार में या भाजपा की सरकार में, तो इनका कोई भी नेता हो, चाहे बड़े से बड़ा नेता हो या उससे छोटा नेता हो या कोई भी इनका प्रवक्ता हो, जब भी उनसे किसी तरह का, जैसे महंगाई, रोजगार और जो भी अभी मुद्दे देश में चल रहे हैं, जो भी दिक्कतें चल रही हैं उसको लेकर कोई भी सवाल किया जाता है, तो डायरेक्ट उनकी बात घूम फिर कर या तो आ जाती है हिंदू मुस्लिम या किसी मंदिर का, या विपक्ष की बुराई निकालना, या विपक्ष ने या कांग्रेस ने, जो पहले सरकार थी उन्होंने क्या किया क्या ना किया, ये वाली बातें निकालना खोद खोद के। कई ऐसी डिबेट्स भी आती है, उसमें भी आपने देखा होगा, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता भी होते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी होते हैं, और दोनों से जब सवाल किया जाता है तो वो उनकी बातें कर रहे थे, तो जो आज जो सरकार चल रही है उन्होंने किस तरह का काम किया ना किया, तो कांग्रेस उस पर आरोप लगाती है। तो मौजूदा सरकार जो अभी है उस पर कोई भी आरोप लगते हैं या सवाल किया जाता है तो उनको उसका जवाब देना पड़ेगा। रही जो सरकार पहले थी, वो अभी नहीं है, पिछले टाइम में उन्होंने क्या किया था क्या नहीं किया था, ये बातें अभी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो अभी चल रहा है और अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसके बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है ना, इसका जवाब मांगना ज्यादा जरूरी है। और इसी तरह भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो हर सवाल का जवाब इसी तरीके से देते हैं, या तो वो कहते हैं कि इन्होंने पिछले इसमें क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, मतलब जो उनकी विपक्ष पार्टी होती है, वो ये नहीं कहते कि हमने ये क्या किया तो ये गलत किया, या ये, या जो सवाल उनसे पूछा जाए तो उसका वो सीधा सीधा जवाब दें, ऐसा कभी नहीं होता है। आप कोई भी डिबेट उठाकर देख लीजिए, ऐसा कभी नहीं होता है। और लोग कहने वाले ये भी कहते हैं कि भाजपा में जितने भी नेता हैं, छोटे हों या बड़े, सारे अनपढ़ों की जमात बिठा रखी है, तो लोगों की अलग अलग राय होती है इनके बातों के ऊपर, क्योंकि इनकी बातें कई ऐसी हो जाती है कि मुंह से अपने आप निकल ही जाता है कि अनपढ़ है या बेवकूफ है या जो भी, ऐसी बातें अपने आप लोगों के मुँह से निकल जाती है। और इसी तरह इसमें एक और नेता है जो एक एक्टर भी है और नेता भी है, जिनका नाम है मनोज तिवारी। इनकी एक वीडियो जो ये लल्लन टॉप के एक सेट पर आए थे और इनका आमना सामना हुआ था, जो बातचीत आमने सामने हुई थी उसकी एक वीडियो काफी वायरल हुई थी, तो आप सबसे पहले देखिए वीडियो। बिजली पर क्या करेंगे? बिजली पर कोई आपका स्टैंड है कि आप यूनिट्स फ्री करेंगे कुछ ऐसा? हाँ, इसमें भी हमारा 5 गुना ज्यादा राहत रहेगा। सर, छोटा सा सवाल यहीं पे बन रहा है, बगल में यूपी है, यूपी में तो बिजली का दाम बढ़ गया। नहीं 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 आए? आप लोग जवाब सुनने के अच्छा। लिए जवाब सुनिए जरा सा सब लोग। हाँ ठीक है, हम राम मंदिर पे ही बात कर लेते हैं, हम राम मंदिर पे ही बात कर लेते हैं। सो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, अब आप बताइए कि इस बात पर आप क्या कहना चाहते हैं, इसने जो भी जवाब दिया उस पर आपकी क्या राय है, वो तो आप अपने जवाब दे दीजिएगा, लेकिन जो वीडियो अभी फोन में ये वाला है, वायरल है, इस पर हमारे देश की जनता ने किस तरह के विचार रखे हैं, इसमें जो कमेंट्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये कमेंट्स मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप सोचो कि ये तो क्या वीडियो के कमेंट पढ़ना कोई ने बुराई ही की होगी, ये बात नहीं है। बात ये है कि इस तरह के जो हमारे देश में जो इस तरह के नेता हमने चुनकर बिठाए हुए हैं, उनकी जो बातें हैं, जिस देश की जनता ने इनको बिठाया हुआ है, जब वो इस तरह के जवाब देते हैं किसी सवाल पे, तो देश की जनता उन पर किस तरह से रिएक्ट करती है, क्या सोचती है इन लोगों के बारे में, तो ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको इसके कमेंट पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। ओके, तो एक यूजर ने लिखा है, बिजली पर बात हो रही है, मंदिर कहाँ से आ गया? तो ये बात आपने वीडियो में भी सुना और ये बात आप अक्सर सुनते आए होंगे, लेकिन आप ज्यादातर ऐसी बातें इग्नोर भी कर देते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब भी इस तरह की, जैसे बिजली, पानी, महंगाई और ऐसे मुद्दों पर बात होती है, तो यहाँ इनके जो भी नेता होता है, कोई छोटा हो या बड़ा, कोई भी हो, आप किसी को भी देख लीजिए, वो बस या तो मंदिर की बात करता है कि हमने मंदिर बनाया, ये बनाया, वो बनाया, सिर्फ ये बात करता है, लेकिन जो सवाल पूछा है उसका जवाब नहीं देते, देना जो चाहिए इनको। ओके, तो नेक्स्ट कमेंट है कि मंदिर की बात करने के लिए नहीं बुलाया,
जी हाँ, जब भी कोई रिपोर्टर कोई भी मीडिया डिबेट होती है या कोई भी स्टूडियो में ऐसे किसी भी सेलिब्रिटी को या नेता को आमंत्रित करते हैं, तो उनसे जो सवाल पूछे जाते हैं सामने वाले को उसी का जवाब देना होता है। तो इनसे भी जो सवाल पूछे गए और जिसके बारे में इन्हें बुलाया गया, तो ये उस बात का जवाब ना देकर मंदिर के बारे में बोल रहे हैं। तो इस पर इसलिए ऐसा कमेंट आया कि मंदिर की बात करने के लिए नहीं बुलाया है, आपको जिस बारे में बात करने के लिए बुलाया है उसका जवाब दीजिए ना, लेकिन नहीं आप मंदिर के बारे में बात करेंगे ताकि मंदिर का मुद्दा छिड़ जाए, जो लोग बैठे हैं वो सुनने में खुश हो जाए कि चलो राम जी आ गए, राम मंदिर आ गया बीच में, तो जनता के मन में जो सवाल है वो उस चीज को भूल जाए, ये लोग ऐसा सोचते हैं इसलिए बीच में मंदिर को ले आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कमेंट है, मनोज जैसे जाहिलों को नेता बनाइए तो यही ना बोलेगा। इसका मतलब आप समझिए, जैसे कि जो एक्टर होता है तो वो फिल्मों में एक्टिंग करता है, जो डायलॉग बोलता है तो वो कोई भी डायलॉग उसका खुद का नहीं होता, उसमें फिल्म में जो उसको करना होता है वो उसकी खुद की सोच नहीं होती। फिल्म में एक स्क्रिप्ट होती है जिसके बारे में उसे बताया जाता है, डायलॉग्स बताए जाते हैं, सीन बताए जाते हैं, जगह सेलेक्ट की जाती है, सारा शूट तैयार किया जाता है, उसके बाद उन्हें उसी एक सीन के लिए कई बार रिहर्सल करनी पड़ती है, तब जाके उनका एक डायलॉग और एक सीन जो भी वो कम्प्लीट होता है। ये मान लीजिए कि जब ऐसे लोगों को नेता बना दिया जाता है या उनसे देश के मुद्दों के बारे में सवाल किए जाते हैं, तो ऐसा नेता देश के कोई भी मुद्दे का जवाब क्या देगा? जब उसे इस बारे में कुछ पता होगा तब ना, उसे कोई बताने बैठेगा देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा तब ना, या वो जानना चाहेगा तब ना, या वो अपनी फिल्मी दुनिया से बाहर निकलेगा तब ना, तब इन चीजों पे ध्यान देगा ना। या तो ये नेता बनने के बाद भी ये क्या सोचते हैं कि जैसे एक्टर है तो फिल्म की स्क्रिप्ट बता दी गई, डायलॉग बता दी गई, याद कर दिए गए और बन गए हीरो, तो इनको यही लगता होगा कि चलो सरकार में जैसे किसी पोस्ट पे आज आते हैं नेता होते हैं, तो उनको यही लगता होगा ना कि यहाँ पर्चा दे दिया जाएगा और माइक के सामने खड़े होकर उसको पढ़ के भाषण ही तो देना है, बन गए हम नेता, बन गए लोगों के दुलारे। तो यही सोच के ये लोगों को इस तरह के स्टूडियो में इनवाइट कर लिया जाता है, जब सवाल पूछे जाते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता क्योंकि इनको किसी बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती। जैसे आजकल मीडिया की चापलूसी के बारे में बात होती है, तो मीडिया जैसे ऐसे किसी बंदे को अगर अपने शो में बुलाती है तो उनकी जो भी क्वेश्चन और आंसर्स होते हैं सारे स्क्रिप्टेड होते हैं, पहले से ही लिखे हुए होते हैं कि क्या सवाल पूछा जाएगा और क्या जवाब दिया जाएगा। लेकिन कई स्टूडियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे सामने वाले को कुछ पता नहीं होता, इसलिए ऐसे लोग कई तरह के स्टूडियो में कई तरह के एंकरों से बात करने में घबराते हैं, उनसे दूर रहते हैं, उनकी बातों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें पता होता है कि सवाल ऐसा पूछ लिया जाएगा जिस बारे में या तो उनको जानकारी नहीं है या जिस बारे में उनको जवाब क्या देना है वो पहले से बताया नहीं गया, तो ऐसे कन्फ्यूजन सी हो जाती है, इसलिए लोग जाने से कतराते हैं। तो इस पर नेक्स्ट कमेंट है, यही तो हाल है बीजेपी के दलालों को, कुछ भी पूछे तो बीच में राम मंदिर ही आ जाता है, महंगाई पर बात करिए तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। नेक्स्ट कमेंट में इसी तरह का है कि बिजली का दाम बढ़ गया तो हम बिजली पे नहीं राम मंदिर पर बात करेंगे, ऐसे ऐसे नेताओं से देश भरा हुआ है, कुछ विकास करें तब बात करें। तो कहने वाला जो कह रहा है वो ये सब देख रहा है तभी कह रहा है ना, ऐसा नेताओं से देश भरा पड़ा है, मतलब इनके जितने भी नेता है सारे के सारे एक जैसे ही है, सबका जवाब आपको एक जैसा ही सुनने को मिलेगा, किसी को ना कुछ पता होता है ना कोई इस बात का जवाब देना चाहता है क्योंकि उनकी गलती होती है और अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए कोई ना कोई नई बात तो चाहिए, फिर आ जाता है या राम मंदिर या फिर हमने हिंदू को मुसलमानों से बचा लिया या हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हमने इतनी महंगाई कर दी, हमने पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा दिए, हमने सब्जी भाजी के दाम इतने बढ़ा दिए, हर चीज पे कितना कितना टैक्स लगा दिए, ये तो ये लोग अपने मुंह से कभी नहीं कहेंगे, जो कि सच्चाई है। जब ये कहते हैं कि हमने लोगों हमने देश का विकास किया है, ये किया है वो किया है, लेकिन ये भी तो देश के अंदर की चीजें हैं, ये भी तो देशवासी भुगत रहे हैं, उन्हीं के साथ ये सब हो रहा है, वो किस तरीके से अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं, किसी कैसे हालात होते हैं उनके घर में आप जाकर देखते हैं क्या? तो इन मुद्दों पे जब बात आती है तो ये अपनी बात घुमा लेते हैं क्योंकि ये इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते। नेक्स्ट कमेंट है, मनोज तिवारी फेकू हो गया है, मोदी के बाद नरक में जाएगा। अब देखिए लोग ऐसे ऐसे सोच रखने लगे हैं इन नेताओं के लिए, प्रधानमंत्री के लिए ऐसी ऐसी सोच रखने लगे हैं, लोग सोचते हैं, लोगों की राय है, लोगों का ये मानना है कि जो प्रधानमंत्री है जो मोदी है वो नरक में जाएगा। ये देखिए किस तरीके के लोगों की सोच हो गई, किस तरीके के लोग फील कर रहे हैं इन प्रधानमंत्री के बारे में, हमारे देश चलाने वालों के बारे में, मोदी सरकार के बारे में कि मोदी नरक में जाएगा। उसके बाद ये जो अगला नाम है मनोज तिवारी, ये भी मोदी की तरफ फेंक हुए, मतलब
मतलब कि मोदी हमेशा फेंकता रहता है, झूठ बोलता रहता है, तो ये मनोज तिवारी है जो, ये भी उसी की तरह झूठ बोल रहा है या फेंक रहा है या बात बदल रहा है, तो ये भी मोदी की तरह नरक में जाएगा। ये हो गई है आज की जनरेशन की, आज के देश देशवासियों में इन नेताओं के लिए सोच। लेकिन इन नेताओं को इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका क्या जा रहा है। देखिए नेक्स्ट कमेंट आया, कौन इस अनपढ़ गवार को टिकट दिया और सांसद बना दिया। अब आप ही देखिए ये अब जो सवाल किया गया है, उस सवाल का जवाब ना देकर कुछ और बात बीच में ले आए या कोई और सवाल बीच में ले आए कि हाँ, एक तरह से ये बात है ना कि अगर उसने बिजली पर किसी एंकर ने बिजली पर सवाल पूछा तो ये राम मंदिर को बीच में ले आए, इनका मतलब ये था कि राम मंदिर पर बात कीजिए क्योंकि उसके बारे में मेरे पास बहुत सारे जवाब है, यही मतलब हुआ ना इसका। तो इस तरीके से ये बीच में आ जाती है, तो ऐसे बातों को हम क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि कैसी अनपढ़ वाली बातें कर। नेक्स्ट कमेंट है, अरे बेवकूफ मनोज तिवारी, ये तुम्हारे भोजपुरी सिनेमा ड्रामा नहीं हो रहा है यहाँ। ये भी कोई बात आ गई कि ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा है, कोई तुम्हारी पिक्चर का सीन नहीं चल रहा है, जो यहाँ पे तुम कुछ भी डाल दोगे कि जनता को बस नमक मिर्च लगा के कुछ भी परोस देना, उनको पसंद आना याद ना, ये वो चीज नहीं चल रही है। अनपढ़ गवार को नेता बनाओ तो क्या होगा। नेक्स्ट है, अरे बिजली की बात हो रही है। नेक्स्ट, राम मंदिर कहाँ से आया। नेक्स्ट, इनके पास कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम राम और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, अंधा गुरु बहरा चेला मांगे हरे दा बहरा। भाजपा वाले इसी तरह के जवाब दिया करते हैं। सवाल पूछा गया यूपी में बिजली बिल बढ़ने की, जवाब मिलता है मनोज तिवारी से मंदिर पर बात करने की। देखिए अब जिस तरह की आप बातें करेंगे उसी तरह की बातें तो आपको सुननी पड़ेंगी, आपका विरोध। फिर आप कहते हैं कि विपक्ष लोग हमारा विरोध करते हैं। अब इसमें जो कमेंट्स किए गए हैं ये आम जनता है, आम लोग हैं जिन्होंने कमेंट किए, ये कोई विपक्ष की पार्टी से तो नहीं उठ के आए, ये ना कांग्रेस या आम आदमी या कहीं से उठकर तो नहीं आए ये लोग, ये ढेर सारे जो कमेंट्स है सारे आम आदमियों ने ही किए हुए हैं। अब जनता सुन रही है कि सामने वाला किस जवाब का क्या जवाब दे रहा है, तो जनता के मन में तो जो आएगा वो तो बोलेगी ना, विरोध तो करेगी ना, क्योंकि विरोध करने वाली बात तो है। फिर आप कहते हो कि हमारा विरोध होता है, हमने ये किया वो किया, विपक्ष पार्टी लोगों को भड़काती है और ऐसी कई बातें होती हैं। तो अब ये इसमें भड़काने वाली तो कोई बात नहीं हो गई, जो सवाल जो सामने है उसी को देख कर लोग अपनी राय रख रहे हैं। और नेक्स्ट कमेंट है, ऐसे लीडर हमें फ्यूचर बताएंगे, कि ऐसे लीडर हमें फ्यूचर बताएंगे। नेक्स्ट कमेंट है, जब कोठे में मुजरा करने वाले नचनिया को सांसद बनाया जाएगा तो भारत का भविष्य का यही हाल हो। दोस्तों इस पे कई सारे कमेंट्स ऐसे भी जिसमें गलत तरीके से गालियां भी दी गई हैं, तो वो कमेंट्स तो मैं आपको पढ़कर नहीं सुना सकती हूँ। मैं देख रही हूँ कि कोई कमेंट ठीक ठाक हो जिसमें गाली ना हो, अच्छे कमेंट्स तो इसमें है ही नहीं जिसने इसका सपोर्ट किया हो, क्योंकि ये जो मानते हैं कि ये बीजेपी का नेता है या हम बीजेपी वालों के भक्त हैं, जैसे अंधभक्तों की बात होती, तो इसमें कोई भी ऐसा अंधभक्त नहीं आया अभी तक जो इसका सपोर्ट कर रहा हो। तो भर भर के गालियां दी गई हैं और बहुत गंदी गालियां दी गई हैं जो मैं अभी पढ़ नहीं सकती हूँ। नेक्स्ट, सभी के घर के बिजली बिल राम जी के मंदिर के पैसे से भरे जाएंगे, मनोज जी यही कहने वाले हैं, ये एक कमेंट है। नेक्स्ट, बेवकूफ सवाल बिजली का है। देखिए लोग सामने से बेवकूफ कह रहे हैं क्योंकि सवाल ही पर जब जो जवाब है तो वो बेवकूफी वाली बात ही हो रही है ना। मंदिर नहीं महंगाई और रोजगार की बात क्यों नहीं करते हो, मंदिर जनता को खाने को नहीं देगा, रोजगार दो बस, बाकी हम सब अपने घर का खर्चा चला के गुजारा कर लेंगे। तो जो भी लोगों ने कहा और लोगों ने जो कहा कुछ गलत नहीं था, इस वीडियो को देखकर मन में ऐसी बातें आती है कि ये तो सांसद हैं और जिम्मेवारी है इनके ऊपर इतनी, और ये इस तरह के सवालों पर ये जब जवाब ऐसे देते हैं, लेकिन सच्चाई तो सामने है कि ये लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते। जब इन्हें किसी बारे में कोई जानकारी नहीं होती तो ये काम क्या करते होंगे उसके ऊपर ये आप खुद ही सोचिए। तो दोस्तों आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।